से भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए सरकार विशेष अभियान चला रही है। छात्रों का एक समूह आज ही यूक्रेन से स्वदेश लौटा है। स्वदेश लौटने पर छात्रों ने सरकार से मिले सहयोग की सराहना की और सभी ने सकुशल वापसी के लिए सरकार का धन्यवाद दिया। बहुत बुरा है उधर, लाइक डे बाय डे वर्स होता जा रहा है सिचुएशन उधर। एमबीसी ने एक रास्ता दिया है पोलैंड और हंगेरिया के थ्रू आने का। जब मैं आई हूँ आई फेल्ट वेरी ग्रेटफुल टू गॉड कि मैं लास्ट फ्लाइट में बैठ के आई हूँ और मम्मा से मिलके बहुत अच्छा लगा। सरकार की तरफ से तो यही था कि एमबीसी ने हमें पहली वार्निंग दे दी थी काफी दिनों पहले ही। 15 फरवरी को एमबीसी ने बोला था कि आप लोग चले जाओ, तो थैंकफुल उनका कि उन्होंने पहले ही बता दिया था हमें। आज भी जब हम आ रहे थे तो हमारे साथ थोड़ी सिक्योरिटी थी चेन्नई से निकलने तक, बॉर्डर क्रॉस करके हम लोग को वीजा और इमिग्रेशन का सारा प्रोसेस था हम लोगों ने करके लिया है। हमें फूड और वाटर और सब प्रोवाइड किया गया है और बहुत अच्छे से हमें यहाँ तक लाया गया है। और यहाँ आने के बाद तुरंत ही हमें एमबीसी कलेक्ट करने आ गई थी और उन्होंने भी हमें पूरा सपोर्ट किया है, बहुत अच्छे से यहाँ तक लाया है। तो थैंक्स टू अवर एमबीसी एंड अवर गवर्नमेंट एंड जो गर्व हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आज जब हमने हमारे राज्य टर्नोपिल से बॉर्डर की तरफ आए तो हमने बीच में 3 राज्य क्रॉस किए और तीनों राज्यों में हमें बिना चेकिंग के सिर्फ हमारी गाड़ी के ऊपर भारत का झंडा था ये देखकर हमें जाने दिया। यहाँ पे बॉर्डर पर भी जितने भी आर्मी है और जितने भी लोग हैं वो इंडियन लोगों को जो एक अलग रेस्पेक्ट और एक अलग जो ऑनर दे रहे हैं वो आज हमारे लिए सही में प्राउड मूवमेंट है। ये हमें शो करता है कि क्या हमारा आज भारत की वर्ल्ड में वैल्यू है। आई एम प्राउड इंडियन। हमारी एम्बेसी, इंडियन गवर्नमेंट की जो एम्बेसी थी, उन्होंने हमारे लिए प्रॉपर पासेज क्रिएट किया, हमारे लिए ट्रेवल बसेज अरेंज की, हमारे लिए होटल्स अरेंज किए और अभी हमारे लिए फ्लाइट्स भी है। और हम लोग बहुत बहुत सारा थैंक यू कहना चाहते हैं टू मोदी गवर्नमेंट, टू द एम्बेसी हु आर वर्किंग फॉर अस। थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट। आई हैड दैट ट्रस्ट इन माई इंडियन गवर्नमेंट दैट इंडियन गवर्नमेंट डेफिनेटली ब्रिंग अस ऑल होम। सो इंडियन गवर्नमेंट में तो हम शक कर ही नहीं सकते क्योंकि विदेश में जो है वो घर तो जरूर आएगा, तो हमें डर तो जरूर बिल्कुल नहीं था। हाँ, एक सुबह जब खारकी पे बम फटे तो हमें था कि यार अब क्या होगा, हम वापस कैसे आएंगे, लेकिन हमें था कि हमारी सरकार कुछ ना कुछ तो कर ही लेगी यार, हम भारत से हैं, हम कभी ना कभी मतलब वापस तो जरूर आएंगे। वेलकम बैक एवरीवन, वेरी हैप्पी टू हैव ऑल ऑफ यू बैक सेफ एंड साउंड बैक इन आवर मदरलैंड। On behalf of Prime Minister Narendra Modi ji, both Muralidharan ji and I are present here to welcome you back. I know you have all been through a very, very difficult time, a very, very trying time. But know this, that the Prime Minister is with you every step, the Government of India is with you every step, and 130 crore Indians are with you every step of the way. And we will leave no stone unturned until every single one of our citizens are back safely back home in India. So please pass this message on to all your friends, all your colleagues, that we are with them and we will guarantee their safe passage back. Pradhan Mantri Ji is in touch with the Ukrainian Rashtrapati Ji. The conversations are on to ensure that everyone is brought home safely. Conversations are also on with the Russian government and we assure you ki ek ek nagrik ko wapas apne matrabhumi mein hum log surakshit rakhe hi chain ki saans lenge. Bahut bahut aap logon ka swagat pradhanmantri ji ki taraf se aur Air India ki sabhi crew ko bhi main apne channel se dhanyawad dena chahta hu. आप लोगों को लाने के लिए इतनी मेहनत और मशक्कत की, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई नो नाउ ऑल योर फैमिली एंड फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर यू, सो लेट्स गो एंड मीट देम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जय हिंद।